What's up guys, this is Vinay and welcome back to another video of Muscle and Nutrition. आज 53rd day है हमारी fat loss transformation का और आज का workout भी miss हो गया क्योंकि मेरी तबीयत में कुछ खास improvement नहीं है। तो आज हम बात करेंगे rep ranges के बारे में, क्योंकि कई friends थे वो मुझे कह रहे थे कि मैं इस topic पे video बनाऊं। आज का हमारा topic होगा high reps या low reps, यानी कि हमें high reps करने चाहिए या फिर हमें low reps करने चाहिए। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हाई रेप्स क्या होते हैं और लो रेप्स क्या होते हैं। हाई रेप्स जनरली अगर आप 20 रेप्स के ऊपर रेप रेंज में ट्रेन करते हो तो हम उसे कहते हैं हाई रेप्स, और लो रेप्स का मतलब होता है 8-10 के आसपास की रेप रेंज में ट्रेन करना। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं कि हाई रेप्स या फिर लो रेप्स में से हमें किस टाइप की ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो इस चीज का मैं आपको कोई सीधा सा सिंपल सा आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि एक आंसर हर किसी के लिए फिट नहीं होगा। आपको हाई रेप्स करने चाहिए या आपको लो रेप्स करने चाहिए, यह डिपेंड करता है आपके गोल्स के ऊपर। अगर आपको स्ट्रेंथ डेवलप करनी है तो आपको 1-5 रेप्स के बीच में ट्रेन करना चाहिए। अगर आपको मसल बिल्ड करनी है तो आप 6-30 रेप्स तक ट्रेन कर सकते हो, और अगर आपको मस्कुलर एंड्योरेंस बिल्ड करनी है तो आपको 30 रेप्स से लेके ऊपर किसी भी रेप रेंज में 40-50 रेप्स के आसपास ट्रेन करना है। इसी के साथ ही साथ मैं एक और मिथ क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि कई बार फिटनेस एकेडमीज में इवन उनके सिलेबस के अंदर ये चीजें होती हैं कि आपको 20 रेप्स के आसपास या 20 रेप्स के ऊपर ट्रेन नहीं करना चाहिए, उससे कोई भी आपको हाइपरट्रॉफी या मसल बिल्डिंग में फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है। अभी जो रिसर्च हुई है लेटेस्ट फाइनली, उनमें पता चला है कि आप 1 रेप मैक्स के 50% में अगर आप ट्रेन करते हो तो भी आपको मसल ग्रोथ का फायदा मिलेगा। बस आपको जितना हो सके उतना फेलियर के क्लोज ट्रेन करना है। अगर आप एग्जैक्ट नंबर्स निकालो तो आप अपने 1 रेप मैक्स के 50% से अराउंड 30 रेप्स कर सकते हो, और इसका मतलब ये हुआ कि आप 30 रेप्स करके भी मसल बिल्ड कर सकते हो। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि आपको स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी या मसल बिल्डिंग और मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए कैसे ट्रेन करना है। अब अगर आपका ये सवाल है कि अगर हमें हर एक चीज के लिए ट्रेन करना है, स्ट्रेंथ के लिए भी, मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए भी और मसल बिल्डिंग के लिए भी, तो क्या करना है आपको, तो आपको पीरियडाइजेशन करना है। पीरियडाइजेशन का मतलब होता है कभी आप हाई रेप्स के साथ ट्रेन करो, कभी आप लो रेप्स के साथ ट्रेन करो, और कभी आप वेरी हाई रेप्स के साथ ट्रेन करो। तो सारी रेप रेंजेस में अगर आप ट्रेन करोगे तो इन सारी रेप रेंजेस का आपको फायदा मिलेगा, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी, मस्कुलर एंड्योरेंस डेवलप होगा, साथ ही साथ आपकी मसल बिल्डिंग भी होगी। सो गाइस, मुझे लगता है कि मैंने आपके सारी क्वेरीज क्लियर कर दी होंगी। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर 11 सपोर्ट। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी।